तो वहीं कांग्रेस नेत्री नूरी खान को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान यात्रा के विश्राम के दौरान उज्जैन आई हुई थी। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है। वह मुख्यमंत्री को सिंहस्थ भूमि से लोगों को हटाने के विरोध में ज्ञापन देने वाली थी और इसी को लेकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेत्री नूरी खान को किया नजरबंद, सीएम शिवराज को ज्ञापन देना चाहती थी नूरी, पुलिस ने किया नूरी खान को नजरबंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार्मिक नगरी उज्जैन में जल महोत्सव के उद्घाटन सत्र में पहुंचे। वे कानीपुरा में पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में भाग लेकर इंदौर जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेत्री नूरी खान मुख्यमंत्री को सिंहस्थ भूमि से लोगों को हटाने के विरोध में ज्ञापन देने वाली थी, इसी को लेकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। मुझे ये पुलिस आने नहीं दे रही, रोका हुआ तुम लोग वहीं पे होना टॉवर पे। हाँ मैं कोशिश करती हूँ आने की ना, क्योंकि ज्ञापन देने ही नहीं। ये लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं मैं जाऊँ, मुझे गरीबों की बात करनी है। आप लोग समझते क्यों नहीं, हमको कोई नहीं। छोड़िए, आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकती। नहीं आप नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ। नहीं मुझे मेरे घर पे ऐसे नहीं रोका जाएगा। नहीं गलत बात है, गलत नहीं। क्या अलाउ नहीं हमारे अधिकारियों ने ऊपर से आदेश दिए। ऐसे नहीं होता है ना, फिर घर से बाहर निकल गए, आप लोग घर के बाहर चले गए, मैं अपना काम करूंगी। ऊपर से जो आदेश मिला है उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर। नहीं मुझे ज्ञापन देने जाना, और क्या मैं लोकतंत्र में अपनी बात रख सकती हूँ। तो अभी जब तक वो आ रहे हैं तब तक बाद में चले। साथियों ये देखिए, ये मैं यहाँ पर निकलना चाह रही हूँ और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार यहाँ पर उज्जैन में बस्तियों को, गरीब बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले विनोद मिल की जो बस्ती थी उस पर कार्यवाही की गई, लोगों को बेघर इस खंड में कर दिया गया। अब गुलमोहर कॉलोनी है, ग्यारसी कॉलोनी है और बहुत सारी कॉलोनियां है जहां पर नोटिस दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सरकार जो नेता हैं बड़े बड़े उनकी जमीनों को सिंहस्थ मुक्त करवा रही है, और दूसरी तरफ यहां पर जो गरीबों की बस्तियां उन्हें सिंहस्थ का नाम लेकर उन्हें बेघर करने का काम किया जा रहा है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी के पास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन देना चाहती हूं, लेकिन मुझे यहीं पर रोका जा रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि किस तरीके से सरकार लोकतंत्र की हत्या करती है। देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं शांतिपूर्वक सिर्फ ज्ञापन ही देना चाहती हूँ। मेरा कोई आंदोलन नहीं, ना मेरा कोई विरोध प्रदर्शन, मैं सिर्फ ज्ञापन देने के लिए जा रही हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेत्री नूरी खान को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान यात्रा के विश्राम के दौरान उज्जैन आई हुई हैं। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा है। वे मुख्यमंत्री को सिंहस्थ भूमि से लोगों को हटाने के विरोध में ज्ञापन देने वाली थीं। इसी को लेकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।